हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 2 का 13वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, सामाजिक अध्ययन कक्षा 2 का 13वां चैप्टर, आप भी मेरे साथ साथ बुक निकालिए और पढ़िए। चैप्टर का नाम है बच्चों यातायात के साधन। चैप्टर का नाम है यातायात के साधन। बच्चों, यातायात का अर्थ है आना जाना, अर्थात आवागमन। यातायात का अर्थ है बच्चों आवागमन। यातायात के लिए हम विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, ये साधन यातायात के साधन कहलाते हैं। यातायात के लिए हम विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, ये साधन यातायात के साधन कहलाते हैं। जैसे अपन कहीं भी आना जाना करते हैं ना बच्चों, तो ये यातायात के साधन कहलाते हैं। यातायात के साधनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। यातायात के मुख्य बच्चों 3 साधन होते हैं। नंबर 1 है स्थल यातायात के साधन, नंबर 2 है जल यातायात के साधन, नंबर 3 है वायु यातायात के साधन। अब अपन बच्चों सबसे पहले स्थल यातायात के साधन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है स्थल यातायात के साधन। भूमि पर चलने वाले वाहनों को स्थल यातायात के साधन कहते हैं। बच्चों, भूमि पर जो वाहन चलते हैं उन वाहनों को स्थल यातायात के साधन कहते हैं। जैसे कि बस, कार, ऑटो रिक्शा, बस, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल आदि स्थल यातायात के साधन हैं। ये पेट्रोल, डीजल आदि ईंधनों से चलते हैं। ये बच्चों पेट्रोल, डीजल आदि ईंधनों से चलते हैं। रेलगाड़ी स्थल यातायात का प्रमुख साधन है। रेलगाड़ी बच्चों यह स्थल यातायात का प्रमुख साधन है। इसके लिए एक विशेष मार्ग रेल की पटरी बनाया जाता है। रेलगाड़ी कोयले, डीजल अथवा बिजली से चलती है। रेलगाड़ी बच्चों कोयले से भी चलती है, डीजल से भी अथवा बिजली से भी चलती है। इसमें हजारों यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। अधिक दूरी की यात्रा तय करने के लिए ये सबसे सस्ता और आरामदायक साधन है। अनेक पशुओं को भी यातायात के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये पशु गांव तथा शहरों में बोझा ढोने के काम आते हैं। यानी सामान ले जाने लाने के काम आते हैं। जैसे कि रेगिस्तान में ऊँट का प्रयोग सवारी करने तथा बोझा ढोने के लिए किया जाता है। आपने क्या सीखा बच्चों? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्थल यातायात के किन्हीं 3 साधनों के नाम लिखिए। स्थल यातायात के 3 साधन हैं बस, कार, ऑटो रिक्शा। नंबर 2 पे है बच्चों यातायात का प्रमुख साधन कौन सा है? रेलगाड़ी। यातायात का प्रमुख साधन है बच्चों रेलगाड़ी। अब अपन चलते हैं अगले पेज की तरफ। बच्चों, क्या आप जानते हैं जो मार्ग भारत के किसी राज्य के प्रमुख नगरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं उन्हें राजमार्ग तथा जो मार्ग भारत के प्रमुख नगरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं उन्हें राष्ट्रीय मार्ग कहते हैं? नंबर 2 पे आते हैं बच्चों जल यातायात के साधन। दूसरा यातायात का साधन है बच्चों जल। जल पर चलने वाले वाहनों को जल यातायात के साधन कहते हैं। पानी पे जो चलते हैं बच्चों वो वाहन, उन वाहनों को जल यातायात के साधन कहते हैं। जैसे कि नाव, पानी का जहाज, स्टीमर आदि जल यातायात के साधन हैं। जैसे बच्चों नाव है, पानी का जहाज है, स्टीमर है आदि जल यातायात के साधन हैं। जल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इन साधनों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ साधनों का प्रयोग माल ढोने में भी किया जाता है, जैसे पानी का जहाज। इसके बाद आता है बच्चों वायु यातायात के साधन। वायु यातायात के साधन, वायु माने हवा। हवा में चलने वाले वाहनों को वायु यातायात के साधन कहते हैं। हवाई, जैसे कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि वायु यातायात के साधन हैं। ये यातायात के सबसे तीव्र तथा महंगे साधन हैं। यानी तेज गति से चलने वाले और महंगे साधन हैं।
हवाई जहाज आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनमें सैकड़ों यात्री एक साथ बैठकर यात्रा कर सकते हैं। दुर्गम स्थानों पर पहुंचने के लिए बच्चों हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल 2 या 3 यात्री एक साथ बैठकर यात्रा कर सकते हैं। इसमें बच्चों ज़्यादा लोग नहीं बैठ पाते हैं। इसमें 2 या 3 यात्री एक साथ बैठकर यात्रा कर सकते हैं। इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं बच्चों, यातायात का अर्थ है आना जाना अर्थात आवागमन। यातायात के लिए हम विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। ये साधन यातायात के साधन कहलाते हैं। यातायात के साधनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, स्थल यातायात के साधन, जल यातायात के साधन तथा वायु यातायात के साधन। हवाई जहाज यातायात का सबसे तीव्र तथा महंगा साधन है। हवाई जहाज बच्चों सबसे तेज गति से चलने वाला तथा महंगा साधन है। आइए बच्चों अब अपन चलते हैं, ये चैप्टर अपना ख़त्म होता है। अब अपन चलते हैं अभ्यास की तरफ। आप भी नोटबुक निकालिए और अभ्यास के प्रश्न उत्तर, सही गलत, खाली स्थानों को लिखिए। नंबर कहाँ पे है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसके बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। यातायात का क्या अर्थ है, नंबर 1 पे है बच्चों। यातायात का क्या अर्थ है, इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है आवागमन, नंबर 2 पे है वाहन, नंबर 3 पे है दोनों। इसका सही आंसर है बच्चों नंबर 1 पे जो आवागमन लिख रहा है वो सही आंसर है। इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना। यातायात का क्या अर्थ है, आवागमन। नंबर 2 पे आते हैं, रेगिस्तान में यातायात का मुख्य साधन क्या है। बच्चों नंबर 1 पे है घोड़ा, इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे घोड़ा, नंबर 2 पे ऊँट, नंबर 3 पे हाथी। नंबर 2 पे जो ऊँट लिखा हुआ है बच्चों ये सही आंसर है। रेगिस्तान में यातायात का मुख्य साधन है ऊँट, तो नंबर 2 के सामने जो ऊँट लिखा है उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ, यातायात का सबसे तीव्र गति का साधन कौन सा है। इसके भी बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे हवाई जहाज, नंबर 2 पे है रेलगाड़ी, नंबर 3 पे है कार। इसका सही आंसर है बच्चों नंबर 1 पे जो हवाई जहाज लिख रहा है वो सही आंसर है। इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। यातायात का सबसे तीव्र गति का साधन कौन सा है, हवाई जहाज। नंबर 1 पे हवाई जहाज लिख रहा है, उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों नंबर खा की तरफ। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 पे है बच्चों, भूमि पर चलने वाले वाहनों को यातायात के साधन कहते हैं। इसमें जो खाली स्थान दिया गया है उसमें अपने को स्थल भरना है। भूमि पर चलने वाले वाहनों को स्थल यातायात के साधन कहते हैं। नंबर 2 पे है बच्चों, जल यातायात का साधन स्टीमर, इसके खाली स्थान में अपने को स्टीमर भरना है। नंबर 2 का जो खाली स्थान है उस वहाँ पे अपने को स्टीमर लिखना है, स्टीमर जल यातायात का साधन है। नंबर 3 पे आते हैं, हवा में चलने वाले वाहनों को यातायात के साधन कहते हैं। इसके खाली स्थान में बच्चों अपने को वायु भरना है। हवा में चलने वाले वाहनों को वायु यातायात के साधन कहते हैं। नंबर 4 पे आते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं। इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों हवाई जहाज लिखते हैं। हवाई जहाज आकार में बहुत बड़े होते हैं। नंबर 4 के खाली स्थान में हवाई जहाज लिखना है। अब आते हैं बच्चों नंबर गा की तरफ। सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे है, बस जल यातायात का साधन है, ये गलत है। बच्चों बस जल यातायात का साधन नहीं है, ये गलत है। इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर 2 पे है, रेलगाड़ी कोयले डीजल अथवा बिजली से चलती है। रेलगाड़ी बच्चों कोयले डीजल अथवा बिजली से चलती है, ये सही है। तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना। नाव जल पर चलने वाला साधन है, ये सही है बच्चों। इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना। नंबर 4 पे आते हैं, हेलीकॉप्टर यातायात का सबसे सस्ता साधन है, ये गलत है बच्चों। हेलीकॉप्टर यातायात का सस्ता साधन नहीं है। तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न उत्तर की तरफ। नंबर घा पे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, यातायात के साधनों से आप क्या समझते हैं।
इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर एक का उत्तर है बच्चों, यातायात के लिए हम विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, ये साधन यातायात के साधन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर एक का उत्तर है, यातायात के लिए हम विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, यह साधन यातायात के साधन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर दो है बच्चों, यातायात के साधनों को कितने भागों में बांटा गया है, यातायात के साधनों को कितने भागों में बांटा गया है, इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर दो का उत्तर है, यातायात के साधनों को तीन भागों में बांटा गया है, नंबर एक है स्थल यातायात, नंबर दो है जल यातायात, नंबर तीन है वायु यातायात। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीन की तरफ, जल यातायात के किन्हीं तीन साधनों के नाम लिखिए, जल यातायात के किन्हीं तीन साधनों के नाम लिखिए, इसका उत्तर है बच्चों, नाव, जहाज और स्टीमर। प्रश्न नंबर तीन का उत्तर है, नाव, जहाज और स्टीमर। प्रश्न नंबर चार है बच्चों, दुर्गम स्थानों पर पहुंचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दुर्गम माने जहाँ पे हम नहीं आसानी से नहीं जा सकते, दुर्गम स्थानों पर पहुंचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर है बच्चों, हेलीकॉप्टर का। दुर्गम स्थानों पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है बच्चों। इस चैप्टर को आप दोबारा पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही गलत, इन सबको आप याद कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।